दिनों स्टॉप लॉस के सभी शोज टीआरपी में धमाल मचा रहे हैं। टॉप शोज की बात की जाए तो अनुपमा, गुम है किसी के प्यार में और ये रिश्ता क्या कहलाता है टॉप 3 पर बने रहते हैं। लेकिन कुछ वक्त पहले शुरू हुआ नया शो झनक इन दिनों काफी अच्छा कमाल करता नजर आ रहा है। इस शो ने ये रिश्ता जैसे बड़े शो को भी चंद दिनों में ही पछाड़ दिया और टॉप 3 की पोजीशन हासिल करते हुए कई बार ये रिश्ता को भी बीट कर दिया है। वहीं अब शो झनक की सक्सेस पर ये रिश्ता की रूही ने बड़ी बात कही है। जी हाँ, रूही यानी की एक्ट्रेस प्रतीक्षा होनमुखे ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर झलक ने ये रिश्ता क्या कहलाता है को बीट किया तो कल हो सकता है कि हम उस सीरियल को बीट कर जाएं। इंडिया फोरम के साथ खास बातचीत में प्रतीक्षा कहती है, झलक का ये रिश्ता क्या कहलाता है से आगे निकल जाना कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव बहुत आम बात है। अगर आज झलक ने ये रिश्ता क्या कहलाता है को पछाड़ दिया है और हम नीचे रह गए हैं तो कल को हम भी झनक को पछाड़ सकते हैं। मैं अपने काम पर फोकस करने और अपना बेस्ट देने में यकीन करती हूँ। इंसान को बहुत लगन से काम करना चाहिए क्योंकि हर किसी पर ऊपर वाले की नजर होती है और आज नहीं तो कल उसका इनाम मिलता है। वहीं जब आगे प्रतीक्षा से सवाल किया गया कि क्या झनक ये रिश्ता के लिए खतरा बन सकता है, इस प्रश्न का जवाब देते हुए प्रतीक्षा ने कहा, मैं झनक को किसी थ्रेट के तौर पर नहीं देखती हूँ। ये जिंदगी का हिस्सा है जहाँ बदलाव होते रहते हैं, इसलिए मैं ये मानती हूँ कि परमानेंट थ्रेट जैसा कुछ नहीं होता। मालूम हो कि स्मृति शुक्ला और शहजादा धामी स्टार सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है टीआरपी के मामले में कमाल कर रहा है। ये शो लगातार टॉप 5 में बना हुआ है और लीप के बाद कहानी में काफी दिलचस्प बदलाव लाए गए हैं, जिसकी वजह से नई तरह का फैन बेस इस शो से जुड़ा है। हालांकि इन दिनों जिस तरह से झनक शो को लोग पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, उससे हिबा नवाब का शो कहीं न कहीं टॉप शोज के लिए खतरा बनता जा रहा है।